हाय गाइस, दिवाली आ गई है और दिवाली का मतलब मिठाई। सो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बनाएंगे ट्रिफल पुडिंग केक। ये बहुत इजी और नो कुकिंग रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए स्पॉन्ज केक। स्पॉन्ज केक आप घर में भी बना सकते हैं, अपना नॉर्मल जो केक बनता है वो, या आप बाज़ार से किसी भी फ्लेवर का केक ले सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए होगा टिंड फ्रूट। टिंड फ्रूट मैंने दो वैरायटी का लिया है, ऑल द ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, वॉलनट। इसका मेजरमेंट मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसमें हर कुछ आप अपनी पसंद के हिसाब से करिए। एंड हमारे लास्ट के इंग्रेडिएंट्स, दिस इज फ्रेश क्रीम, वनीला एसेंस एंड पिसा हुआ शुगर 2 टेबलस्पून एंड जैम। मैंने यहाँ मिक्स फ्रूट जैम यूज़ किया है, लेकिन आपका जो भी फेवरेट फ्लेवर हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इस डिश की खूबी यही है, टेस्ट के हिसाब से बन सकता है, वेरी टेस्ट सेंट्रिक। सो आपको जो पसंद है वो आप इसमें ज़्यादा डालें, जो नहीं पसंद है उसको आप ओमिट कर दें। सबसे पहले हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए क्रीम में हम ओनली 1 or 2 drops ऑफ वनीला एसेंस डालेंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा डालने से इसका बिटर टेस्ट हो जाता है। और फिर इसमें हम डालेंगे अपना पिसा हुआ चीनी। चीनी इसलिए कि थोड़ा सा भी खट्टानेस या कुछ सालनेस हो तो वो इसको कवर कर लेता है। अब आप देख सकते हैं हमारा क्रीम थिक हो गया है। अब हम इसको अपना केक असेंबल कर लेंगे। तो ट्राइफल पुडिंग के लिए सबसे पहले आप अपना सर्विंग ट्रे में केक रख देंगे और उसका बीच से एक लेयर काट के ऊपर वाला लेयर हटा देंगे। अब हम फर्स्ट राउंड में इसमें डालेंगे जैम। जैम लगाने के बाद हम इसके ऊपर क्रीम पोर करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम अपना फ्रूट डालेंगे। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। वंस ये हो गया तो हमने जो दूसरी लेयर काटी थी केक की वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले जैम, इसके बाद हम फिर से अपना एक लेयर ऑफ क्रीम डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर अगेन अपना लेयर ऑफ फ्रूट डालेंगे एंड देन खूब सारा ड्राई फ्रूट। जैसा आपको अच्छा लगे एक डिज़ाइन में इसके ऊपर प्लेस कर देंगे।
बाकी आपका जो क्रीम बच गया है वो भी आप अपने केक के आसपास डाल दें। उसमें आपके बचे हुए फ्रूट्स डाल दें। और फिर ऊपर से नट्स डाल दें। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और एक एडेड डेप्थ ऐड करता है पूरे डिश को। एज आई सेड, ये हो गया आपका चुटकियों में ट्राइफल पुडिंग तैयार।